आज हमने बनाया है दही वड़े, जो सबकी पसंदीदा डिश है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन लवर्स टीवी। किचन लवर्स टीवी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक कप हमने छिली हुई उड़द दाल डाली है और इसे हम 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से इसे धो लेते हैं। इसे हम पानी डाल के 3 से 4 घंटे के लिए भिगा देंगे। दाल को हमने दोबारा धोया है और ये सारा पानी को हम निकाल देंगे और इसे हम मिक्सर जार में दाल को पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो ये सारा दाल हमने ब्लेंडर में डाल दिया है, अब इसे हम ब्लेंड कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वड़े का जो बैटर होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, तो जितना कम पानी से हो सके उतना कम पानी आप इसे डालना है। तो ये देखिए, ये काफ़ी गाढ़ा है, इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी हम इसमें डाल रहे हैं और इसे हम चम्मच से मिक्स करते हैं ताकि पानी नीचे तक जा सके। तो इसे हम फिर से बंद कर लेंगे और इसे दोबारा ब्लेंड कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच पानी डाला है और इसे हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक एक स्मूथ बैटर न बन जाए। तो ये हमारा बैटर बनकर तैयार हो गया है। आइए इसकी हम कंसिस्टेंसी आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये एकदम स्मूथ है, तो बस इसी तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और इसे हम इस बाउल में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच नमक है, ये नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही डालिए। 1/2 चम्मच खाने वाली सोडा है, सोडा बाइकाप, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा है, इसे हमें कम से कम 5 मिनट तक इसी तरह से मिक्स करना है ताकि ये बैटर एकदम स्मूथ बैटर बन जाए। तो आप इसे देख सकते हैं कि ये कितना स्मूथ हो गया है, पहले का देखिए कितना ऐसा था और अब ये कितना स्मूथ हो गया है। तो बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब इसमें हम डाल रहे हैं काजू और बादाम, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसे हमने मिक्स कर लिया है, इसे साइड में रख लेते हैं। अब हम दही को फेंटते हैं। दही में हमने 1 टीस्पून शक्कर डाली है, 1/2 चम्मच नमक है। नमक और शक्कर दोनों साथ में डालने से टेस्ट बैलेंस होता है और इसे हम 2 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। और ये हमने 1 कप पानी डाला है और इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही को हम साइड में रख लेते हैं। अब हम वड़े को फ्राई करेंगे। तो ये तेल हमारा गरम हो गया है। तेल को चेक करने के लिए हमने थोड़ा सा बैटर डाला है। तो आप देख सकते हैं ये बैटर कितना अच्छी तरह से फूल गया है। वड़े को हम हाथ से डाल रहे हैं क्योंकि हाथ से डालने से ये वड़े बहुत अच्छे गोल हो जाते हैं। आप चाहो तो इसे चम्मच से भी डाल सकते हो या आप मेरी तरह हाथ से डालिए। फ्रेंड्स, वड़ों को आप कुछ सेकंड्स के बाद पलटे, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, तो आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हुआ है और वड़े भी काफ़ी फूल गए हैं। गैस को हमने हाई फ्लेम से थोड़ा कम रखा है ताकि वड़े अंदर से अच्छी तरह से पक जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी भी हो जाएंगे। तो बस इस वीडियो को हमने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो आप देख सकते हैं वड़ों का कलर चेंज हो गया, वड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये वड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। तो बस इसे अब हम प्लेट में निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं ना, वड़े कितनी अच्छी तरह से फूल गए हैं। तो बस ये ट्रिक थी कि दाल को आपने अच्छी तरह से फेंटना है, जितना आप दाल को फेंटोगे उतना ही आपके वड़े फूल जाएंगे। तो ये बैच हमारी हो गई है। आइए अब हम दूसरी बैच भी डाल देते हैं। तो
तो ये दूसरी बैच भी बनकर तैयार हो गई है। वड़ों को हम थोड़ा ठंडा होने के बाद पानी में डालेंगे। अगर आपने गर्मा गर्म वड़े डाल दिए तो वो अंदर से कड़क रह जाएंगे। तो ये ठंडे हो गए हैं वड़े, अब इसे हम पानी में डाल रहे हैं। ये हम 7 से 8 मिनट के लिए इसे ढक के रखते हैं। तो ये देखिए 8 मिनट के बाद तो आप देख सकते हैं वड़े कितने अच्छी तरह से फूल गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया है। आइए अब इन वड़ों का हम पानी निकालते हैं। तो आप दोनों हथेलियों के बीच में इसे रखिए और इसे हल्का सा दबाइए, जितना पानी निकल सके उतना पानी आप निकाल दीजिए। एक और मैं आपको दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हो इसमें हमने पूरा पानी निकाल दिया है। तो बस इसी तरह से हमने सारे वड़ों का पानी निकाल दिया है। ये वड़े हम बाउल में डाल रहे हैं। अब इसमें जो दही हमने फेंट के रखी थी वो दही हम इसमें डाल रहे हैं। अगर आपको दही गाढ़ी लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल सकते हो, लेकिन वड़ों में जो पानी है और ये गाढ़ी सी दही है ना, तो 10 मिनट के बाद ये सब एकदम बराबर हो जाता है। तो बस इसी तरह से हमने मिक्स करके सारी दही को इसमें डाल दिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं हरा धनिया और ये जो हमने बादाम को काट के रखा था वो बादाम को भी हम इसके ऊपर डाल रहे हैं। तो ये हमारा वड़ा बनकर तैयार हो गया है। बस इसे हमें आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये हमारा आधा घंटा हो गया है, वड़े हमारे ठंडे हो गए हैं। आइए इस वड़ों को अब हम सर्विंग बाउल में डालते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वड़ा कितना अच्छी तरह से फूल गया है और इसके ऊपर अब हम डाल रहे हैं खट्टी मीठी इमली की चटनी है ये। आप चाहो तो इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं चाट मसाला। आप चाहो तो इसमें जीरा पाउडर या गरम मसाला भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं वड़ा कितना सॉफ्ट हुआ है और कितना फूला हुआ है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं हम आपसे, तब तक के लिए बाय।